स्टार पवन सिंह जी, पवन भैया के लिए दिल खोल के तालियां। सर, सब कहते हैं कि आप बिहार के भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप बिहार के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में जहां जहां बिहार और हिंदुस्तान बसता है, सही बात है, वहां सर बसते हैं। सही बात है। हेलो हेलो, ये सब हमारे जनता जनार्दन का प्यार है, दुलार है, आशीर्वाद है, बाकी मैं कुछ नहीं हूँ। सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड के, भोजपुरी जगत के, साउथ इंडियन सिनेमा के कई सुपरस्टार्स हैं, लेकिन आपकी सबसे बढ़िया बात जो दिलों पर राज करने के लिए होती है कि आप जमीन से जुड़े हुए और अपने संस्कारों पर चलने वाले इंसान हैं, इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं। जोरदार तालियां। मैं अपने भाई को टेलीविजन पे, इंस्टाग्राम पे आपको मैं देखते रहता हूँ, बड़ी अच्छा लगता है। मैंने बहुत लोगों को कॉपी करते हुए देखा है, बट वो दुनिया में बहुत कलाकार हैं, अच्छा लगता है, बट ज़्यादातर लगता है ना कि ये कॉपी है। बट जो मैंने आपका देखा ना, मुझे, मैं सोच में पड़ गया कि चेहरा इधर था, अक्षय कुमार साहब को मैंने पलट के देखा, मैंने बोला यार चेहरा दूसरा है, ये आवाज़ सेम है, लव यू भाई, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहूँगा दो लाइन अक्षय साहब का आप साउंड सुना दीजिए। अभी पवन भैया ने आदेश दिया है भाई। नमस्कार, मैं हूं अक्षय कुमार और ये कहना चाहूंगा पवन सिंह जी के लिए, इनके लिए यही कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हाँ! जिंदाबाद है और रहेगा, और भोजपुरी सिनेमा का, हिंदुस्तान का एक शेरी है पवन सिंह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया पवन भैया, थैंक यू, लव यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, दोस्तों, पवन सिंह जी हमारे साथ हैं, अनुपमा जी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी हम हमारे जो छोटे सुपरस्टार अंश मिश्रा, एक बार इनके लिए हल्ला हो जाए भैया। ये जितना बढ़िया डांस करते हैं, जितनी बढ़िया इनकी गायकी है, अभी एक मिनट, अभी आपके लिए अंश, मेरे छोटे भाई, हमने सुना है कि आप बहुत बढ़िया मिमिक्री करते हैं जी, तो किन किन की आवाज आप करते हैं और चंद डायलॉग हमारे भाइयों को अगर आप सुना दे तो मजा आ जाएगा। हाँ, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ, सिंगर हूँ, एक्टर हूँ, डांस भी कर देता हूँ। क्या बात और है? मैं मिमिक्री 75 प्रकार की आवाज निकालता हूँ। 75? अरे वाह, क्या बात है। 75, आई कैन प्रोड्यूस 75 वॉइस। तो मैं अभिनेताओं के, नेताओं के, जानवरों की और पक्षियों की मिमिक्री करता हूँ। लालू जी का आवाज सुना चाहता है। कॉमेडी में हम क्या कहते हैं, अबे पगला, मार अंगल और पट चहर जागे बोल पर, अलग अलग झोलने में ढक के बोल हम कल काटा चला, और ये करा बोला के स्मार्ट सिटी बनाएंगे, लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, लालू को स्मार्ट गांव चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। मम्मी, बचपन ठगा गया है, देखो ना, और बिहार का, बिहार में जब तक रहेगा समोसे में लालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू, बिहार में लालू। और पवन सर से मिलके बहुत ही अच्छा लगा, पहला बार हम मिले हैं पवन सर से, पहला बार दिल धुक धुक कर रहा था जब आपको देखे तो दिल शांत। अंश भैया, जो हमारे अतुल जी है ना जी, वो कह रहे हैं कि लालू जी का तो बहुत बढ़िया किया, एक हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे उनका उनका एक आवाज हो जाए। प्रधानमंत्री जी जी, भाइयों बहनों,
आपके गांव गांव तक सड़क बन पाएंगे। और यूपी के अखिलेश यादव जी कैसे बोलते हैं, अभी तो हम कोलकाता में हैं, ममता बनर्जी के जी का भी उनका हम डायलॉग सीख लेंगे, और अभी डायलॉग उनका प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका हम सीख के तब यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है, अगला बार बुलाइएगा। थैंक यू अगली बार की बुकिंग अभी फिक्स हो गई है इनकी, नंबर दे दीजिएगा। अरे वाह, अखिलेश यादव जी कैसे बोलते हैं, भाया बहनों मैंने कहा अगर आप में कहीं विकास सीखना हो तो मैं लखनऊ में, लखनऊ में विकास नहीं दिखता अपने बेटे के, फिर आपको आन विकास सीखना लगेगा बेटा। अच्छा लग रहा था, ताली बजा दो। तालियां। कितने साल के हैं आप, कितने क्या उम्र है? मेरा एज 8 साल हो रहा है। 8 साल है, मुझे ऐसा लग रहा है 25 साल के बंदे को 4 फीट के अंदर डाल दिए है इतना नॉलेज इतने छोटे बच्चे। जोरदार तालियां यार इनके लिए, बहुत ही कमाल का। और पवन सर का एक सॉन्ग मैं गाना चाहता हूँ, और डायलॉग भी है पवन सर का सत्या फिल्म का, और क्रेक फाइटर का भी है, और इनका गदर मूवी आया था जो कि हम 25 बार देख चुके हैं गदर मूवी को, बहुत ही अच्छा लगता है हमको। तो सत्यम मूवी का एक डायलॉग है, साले खाता है हिंदुस्तान का और गाता है पाकिस्तान का, तो सुन, मैं इस देश का हनुमान हूँ, ये देश मेरा राम है, सीना चीर का दिखला दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है, बैठा हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया। और गदर का एक डायलॉग है, जलते हुए दिए को परवाने क्या मुझाएंगे, और जो जिंदों को नहीं जला पाते वो मुर्दों को क्या जलाएंगे, मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और रहेगा। जोरदार तालियां, थैंक यू मेरे भाई। अक्षय जी आपका मूवी आया था OMG 2, उसके बाद गदर 2 आया था, उसका भी डायलॉग मैं याद करके रखा हूँ। क्या बात है, तो गदर 2 का सुनाना चाहता हूँ। किस्सा दादी जी लोग, तुम अगर यहाँ के लोगों को दोबारा मौका मिले भारत में बसने का, आधे से ज्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, कटोरा लेकर घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी। वैसे मैं सनी देओल जी का मिमिक्री भी करता हूँ, मिमिक्री एक बार सुना देना चाहता हूँ। ओए काते, ये मजदूरों का हाथ है, बर्तन आज उड़ता नहीं उठ जाता है। अंश भाई, अंश अंश आपका चालू तो आप बंद करने का कोई बटन है आपके इतना बढ़िया कलाकार यार, जोरदार तालियां हो जाए। आप बस हमको खो दिए, हम जितना बोलेंगे और जितना कहेंगे सुनिएगा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, डायलॉग है। तो अभी दोस्तों अंश भाई के हम और भी डायलॉग सुनेंगे, अभी पवन भैया जी हमारे साथ में हैं, तो हम अवार्ड्स का सिलसिला अब शुरू करना चाहते हैं, उसके बाद हम अंश भाई को फिर से आपके सामने लेकर आएंगे कुछ डायलॉग्स और कुछ बेहतरीन गानों के साथ में। और अब जरूर जरूर अभी अवार्ड्स का सिलसिला हम शुरू करते हैं। ओवर टू यू। अब मैं अतुल सर को आमंत्रित करना चाहता हूं, और मैं निवेदन करता हूं हमारे सुपरस्टार आज के प्रोग्राम की शान पवन भैया जी से कि आप मंच पर पधारिए। अन्नपूर्णा सेल्स का ये 5th गारमेंट फेयर, और हमारे भोजपुरी और हिंदुस्तान के बहुत ही नामी और लोगों के दिलों में बसने वाले सुपरस्टार पवन सिंह जी आपके सामने मौजूद हैं, और अब हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करेंगे। वी हैव 10 वंडरफुल अवार्ड्स जिन्होंने पूरे साल मेहनत की, हमारा साथ दिया, आज इस मौके पर हम उन्हें अवार्ड्स के माध्यम से नवाजना चाहते हैं। नाम बोलते जाइए, लेकिन सबसे पहले सम्मानित करते हुए हमारे सुपरस्टार पवन सिंह जी को एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे, एवरीबॉडी कम ऑल टुगेदर, सभी की जोरदार तालियां।